ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उसे छुटकारा लेंगे उनको मदद किया जाएगा। ताड़ी में फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचने वाले और शराब पहुंचाने वालों के लिए एक बम्पर स्कीम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर शराब बेचने का और शराब पहुंचाने का काम छोड़ देंगे तो उन लोगों को राज्य सरकार 1,00,000 रुपए देगी। सिर्फ शराब बेचने वाले ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों के लिए भी ये स्कीम चलाई जाएगी। अगर वे ताड़ी के बजाय नीरा बनाएंगे तो सरकार उनको भी 1,00,000 रुपए देगी। नीतीश कुमार ने ये ऐलान तब किया जब राज्य सरकार बिहार के 4,00,000 से ज्यादा लोगों को शराब पीने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल नीतीश सरकार ने आज नशा मुक्ति दिवस मनाया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बम्पर स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा, बिहार में शराब के मामले पकड़ा तो बहुत रहे हैं लेकिन या तो पीने वाले पकड़ा रहे हैं या फिर शराब बेचने वाले गरीब गुरबा असली लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, कुछ पकड़े भी जा रहे हैं तो फिर छूट जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों को हिदायत दे दी गई है कि असली धंधेबाज को पकड़िए जो असली में गड़बड़ी करता है और उसी को जेल भेजिए और किसी प्रकार का कोई समझौता उनके साथ नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा, असली धंधेबाज बाहर कहाँ निकलता है, वो तो गरीब गुरबा को बाहर भेजकर शराब बेचवाता है। गरीब गुरबा लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा, हम नई योजना बनाने जा रहे हैं। अपनी नई योजना जो बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत शराब बेच रहे या ताड़ी बेच रहे उन लोगों के लिए सरकार नई स्कीम ला रही है। उनके लिए सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना चलाएगी। जो शराब बेचना या ताड़ी बेचना छोड़ देंगे उन्हें सरकार मदद करेगी। सरकार उन्हें दूसरा रोजगार करने के लिए 1,00,000 रुपए देगी। वे 1,00,000 रुपए से नया रोजगार कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वैसे उनकी सरकार पहले से सतत जीविकोपार्जन योजना चला रही है। इसके तहत ही 2018 में यह फैसला लिया गया था कि जो लोग शराबबंदी से पहले शराब का कारोबार करते थे और अगर वे बेरोजगार हो गए हैं तो उन्हें नया रोजगार करने के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत 40,893 परिवार को लाभ दिया भी गया। अब सरकार ने उसमें 40,000 और बढ़ाकर ये राशि 1,00,000 रुपए करने की योजना बनाई है। शराब बेचने वाले या ताड़ी बेचने वाले अगर ये धंधा छोड़ते हैं तो उन्हें ये रकम दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में बिहार में शराब पीने और बेचने के अपराध में 4,00,000 से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं। सरकार ने शराब पकड़े जाने पर पूरे परिवार को जेल भेजने से लेकर तमाम तालिबानी कानून लागू किए और नीतीश कुमार अपने हर फैसले का समर्थन करते रहे। नीतीश कुमार की शराब नीति को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई दफे जमकर फटकार लगाई। अब नीतीश कुमार धीरे धीरे यू टर्न मारते नजर आ रहे हैं। ये सर्वविदित है कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार कई 1,000 करोड़ रुपए का बन चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार की 1,00,000 की स्कीम कितना काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।